साथियों, आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं, कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता, तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज तक न्यूज पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटों में से किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें, 24 नहीं अब लड़ाई 2029 की। जी हाँ दोस्तों, 2024 का लड़ाई नहीं, अब 2029 में लड़ाई होगी। क्या है पूरा मामला तो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के अनुसार आपको बताने वाला है कि 2024 क्यों नहीं। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 29 लोकसभा सीट मिल सकती है, यानी कि बीजेपी प्लस जेडीयू को यहाँ पर 29 लोकसभा सीट मिल सकती है, यूपीए को यहाँ पर 1, आपके खाते में 0 और टीएमसी खाते में 0, अदर पार्टी यानी कि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें, यानी कि उसकी सहयोगी पार्टी को यहाँ पर 10 विधानसभा सीट मिल सकती है, यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 ही सीट पर का बीज होना पड़ सकता है। पश्चिमी बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के ओपनिंग पोल की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 20 यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिल सकती है, यूपीए को यहाँ पर 0, आपके खाते में 0, टीएमसी की तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को यहाँ पर 22 विधानसभा सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, लोकसभा की बात कर लेते हैं तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं, 25 में से यहाँ पर 24 लोकसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी खाते में 0, टीएमसी खाते में 0, अदर पार्टी यानी कि आरएलपी पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से 107 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 69 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी
बनते हुए यहाँ पर चार आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और ममता बनर्जी के खाते में यहाँ पर 22 लोकसभा सीटें जा सकती है, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 12 लोकसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा की, 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यूपीए गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें, यानी कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को यहाँ पर बराबर बराबर सीटों के साथ 5-5 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं, 39 में से 20 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, 15 लोकसभा सीटों पर यूपीए गठबंधन, आपके खाते में 0, टीएमसी खाते में 0, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें मिल सकती है। दादरा नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी खाते में जा सकती है, और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0, टीएमसी खाते में 0, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 157 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 95 सीटों पर नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 95 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं राहुल गांधी को यहाँ पर 24 सीटें, अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0, तो टीएमसी की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यहाँ पर 22 से लोकसभा सीट मिल सकती है, तो 16 लोकसभा सीटों पर अदर पार्टियां यहाँ पर काबिज हो सकती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, ओडिशा की, जी हां दोस्तों ओडिशा में और लोकसभा चुनाव एक साथ होता है, और यहां पर ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं और 21 में से 9 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, 4 लोकसभा सीटों पर यूपीए और आम आदमी पार्टी का तमें 0, टीएमसी का तमें 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें यानी कि बीजेडी को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें, 48 में से 35 लोकसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर मिल सकती है, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 35 लोकसभा सीट मिल सकती है, यूपीए यानी कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 और अदर पार्टी शिवसेना एमएनएस आदि पार्टियों को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 227 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 139 सीटों पर एनडीए गठबंधन यूपीए को यहाँ पर 34, आपके खाते में 0, टीएमसी खाते में 22, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 32 लोकसभा सीट मिल सकती है। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है, चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है, यूपीए अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में 1, तो यूपीए खाते में 1 सीट, आपके खाते में और टीएमसी खाते में 0-0 सीट, और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 231 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 142 सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो 35 सीटों पर श्री राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, तो 22 सीटों पर ममता बनर्जी, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 32 लोकसभा सीट मिल सकती है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन का बीच हो सकता है, तो वहीं यूपीए खाते में 0। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है, 25 में से 15 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, 1 पर यूपीए, आपके खाते में 0, टीएमसी खाते में 0, और बाकी सभी सीटें अदर पार्टियों को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए, आम आदमी पार्टी, टीएमसी आदि पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 259 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 160 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को यहाँ पर 26 लोकसभा सीट मिल सकती है, आपके संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को यहाँ पर 22 सीटें, 41 सीटों पर अदर पार्टी का बीच हो सकती है। दिल्ली की, जी हाँ दोस्तों राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, 7 में से एनडीए गठबंधन खाते में, 6 सीटें यूपीए खाते में, 0, 1 पर आप जीत सकती हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 1 पर एनडीए, तो 1 पर यूपीए। और लोकसभा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें, 4 में से सभी चारों ही लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाते में 0, आपके खाते में 0, टीएमसी खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 272 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर 171 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी यूपीए को यहाँ पर 37 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट, टीएमसी खाते में 22 और 41 सीटों पर अन्य पार्टियां यहाँ पर काबिज
हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार आइसलैंड की, बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन का तब एक सीट जा सकती है। पौंडीचेरी की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर यूपीए गठबंधन। उत्तर प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें, 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड मिल सकती है। यूपीए खाते में यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी खाते में 0 और टीएमसी खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 15 लोकसभा सीट मिलने की संभावना काफी ज्यादा स्थायी जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 354 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 237 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बहुमत के बहुत करीब है। यूपीए को यहाँ पर 38, आपके खाते में 1 और 22 सीटों पर टीएमसी, अदर पार्टी को खाते में यहाँ पर 56 लोकसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है, 29 में से एनडीए गठबंधन खाते में 25 लोकसभा सीट है, यूपीए खाते में 4, आपके खाते में 0, टीएमसी खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। केरल की, जी हाँ दोस्तों, केरल की 20 लोकसभा सीट है, 20 में से 1 पर एनडीए, 8 पर यूपीए, बाकी सभी अदर पार्टी खाते में जा सकती है यानी कि क्षेत्रीय दल के खाते में जा सकती है। असम की 14 लोकसभा सीट है और सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी, यूपीए, आप, टीएमसी, अदर पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ है। लोकसभा की 543 सीटों में से 417 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 217 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 50 लोकसभा सीटों पर श्रीमान राहुल गांधी और 1 सीट पर अरविंद केजरीवाल, 22 सीटों पर ममता बनर्जी से 67 सीटों पर अन्य पार्टियां का बीज हो सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नागालैंड की, 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन खाते में जा सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से एनडीए गठबंधन खाते में 2, यूपीए खाते में 0, आपकी खाते में 11, टीएमसी खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहां पर 0 सीट। कर्नाटका की 28 लोकसभा सीट है, 28 में से 21 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 27 लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी और 0 लोकसभा सीट पर आप और 0 पर ही टीएमसी, अदर पार्टियों के यहां पर 0 सीट। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 459 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है यानी कि लोकसभा सीटों यानी संसदीय सीट की बात करें तो यहां पर 300 सीटों के आंकड़े को पार कर सकती है एनडीए गठबंधन यानी कि फिर से बहुमत यानी कि 2024 को भी भेद पाना विपक्ष के लिए मुश्किल हो सकता है और 58 सीट यानी कि मात्र 58 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस पार्टी गठबंधन यानी कि यूपीए गठबंधन, तो 12 सीटों पर अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के योजना अरविंद केजरीवाल को बराबर 12 लोकसभा सीट मिल सकती है, तो 22 सीटों पर टीएमसी का बीज हो सकती है, 67 सीटों पर अदर पार्टी का बीज होने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, 2 ही लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन। अरुणाचल प्रदेश की 2 ही लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन है। मिजोरम की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 1 लोकसभा सीट पर एनडीए तो 1 लोकसभा सीट पर यूपीए, अरविंद केजरीवाल के खाते में 0 और टीएमसी खाते में यहां पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है, अदर पार्टी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 543 सीटों में से 464 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 303 लोकसभा सीटों पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर फिर से वापसी मिल सकती है 3 लोकसभा सीटों के साथ, 60 लोकसभा सीटों पर यूपीए और 12 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल, तो 22 सीटों पर ममता बनर्जी, 67 सीटों पर अदर पार्टियां का बीज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है, 11 में से यहाँ पर 9 लोकसभा सीटों पर एनडीए तो यूपीए खाते में 2 लोकसभा सीट है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट है, 17 में से 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए, यूपीए खाते में 1 सीट और अदर पार्टियों यहाँ पर 5 लोकसभा सीट मिलने की संभावना स्थायी जा रही है। दोस्तों गुजरात की 26 लोकसभा सीट है, 26 में से सभी 26 की 26 यानी कि क्लीन स्वीप कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी यहाँ पर 26 सीटें ला सकते हैं, यूपीए और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, आम आदमी पार्टी खाते में 0, अदर पार्टियों के यहाँ पर 0, टीएमसी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 518 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 343 सीटों पर एनडीए गठबंधन तो 63 सीटों पर यूपीए, 12 सीटों पर आप, 22 सीटों पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी और अदर पार्टियों के यहाँ पर 78 सीट मिल सकती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है, 5 की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, यूपीए और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट यानी कि आप, टीएमसी, बाकी सभी पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट।
और बात कर लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटें 14 में से एनडीए खाते में, यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें यूपीए खाते में, 2 और अदर पार्टियों के यहाँ पर 2 लोकसभा सीट मिल सकती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 लोकसभा सीटें, 6 में से 1 पर एनडीए तो 1 पर यूपीए, बाकी सभी 4 सीटों पर अदर पार्टियां। लोकसभा की 543 सीटों में से सभी 543 लोकसभा सीट का ओपोनेंट पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 359 सीटों के साथ जबरदस्त लीड कर सकती है एनडीए गठबंधन, यानी कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर 2024 में चुने जा सकते हैं, यानी कि 2024 नहीं, अब लड़ाई 2029 की होने वाली है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना काफी मुश्किल हो सकता है विपक्ष के लिए, और यानी कि एनडीए गठबंधन को यहां पर हराना काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। बाकी सभी पार्टी को यहां पर राहुल गांधी मात्र 66 सीटों पर सिमट सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल भी काफी ज्यादा निराश हो सकते हैं, और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को यहां पर 22 और अदर पार्टी को यहां पर 84 लोकसभा सीट मिल सकती है। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।